ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी ने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। अब भारतीय मूल के पराग अग्रवाल कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा दिखने लगा है। ट्विटर पर लोग जमकर इस सफलता का जश्न मनाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान से भी लोगों की प्रतिक्रिया ट्विटर पर सामने आ रही है और यहाँ भी पाकिस्तान भारत से अपनी तुलना करता नजर आया। दरअसल पाकिस्तान के उमर सैफ नाम के शख्स ने स्ट्राइप कंपनी के सीईओ पैट्रिक का एक ट्वीट शेयर किया है। पैट्रिक के ट्वीट में लिखा है कि बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ वो लोग हैं जो भारत में पैदा हुए हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीयों की शानदार सफलता देखकर काफी खुशी है। ये ट्वीट शेयर करते हुए उमर सैफ ने लिखा कि डियर पाकिस्तान, शायद ये वो जगह है जहां भारत के साथ मुकाबला करना चाहिए। उमर सैफ ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में भी IIT जैसी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये विश्वविद्यालय गंदी राजनीति का शिकार है। अगले ट्वीट में उमर ने कहा कि मैं अब इस बात की शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग की जगह कोई भारतीय लेने वाला है। पाकिस्तान के एक और शख्स ने ट्वीट करते हुए दिखाया कि भारत और पाकिस्तान दुनिया में कैसे अपना योगदान दे रहे हैं। ट्वीट में एक तरफ सत्या नडेला और सुंदर पिचाई की तस्वीर लगाई, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद जैसे आतंकियों की तस्वीर है। आपको बता दें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीयों के टेक्नोलॉजी में दबदबे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हमारी खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।